हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मंत और आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न्स, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों नल और टंकी, ठीक है दोस्तों, नल और टंकी, ठीक है। अब दोस्तों इस टॉपिक पढ़ने से पहले एक जरूर सूचना, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी हो दोस्तों तो प्ले लिस्ट में जाइए, और मैथ्स बाय हेमंत सर के नाम से बना रखा है एक प्ले लिस्ट, तो उसमें जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, यदि पाइप ए 100 लीटर की टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लेता है, तो पाइप बी जो कि 2 गुने आकार का है, उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है दोस्तों। चूँकि पाइप बी 2 गुने आकार का है दोस्तों, ना पाइप बी मतलब कि ए और बी दो पाइप है, तो पाइप बी क्या है दोस्तों, साइज देखो, साइज कितनी है दोस्तों, अगर पाइप ए की 1 है तो पाइप बी की 2 है, मतलब 2 गुने आकार का है, ठीक है। तो टाइम दोस्तों इसका अपोजिट लगेगा, कि टाइम इसका अपोजिट लगेगा, कहने मतलब कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो कहने मतलब कि अगर ये 1 है और ये 2 है, 1:2 में है, तो ये टाइम लगेगा दोस्तों 2:1 में, ठीक है, इसका इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि ये वज्र एक तरीके से वज्र गुणन हो जाएगा, कैसे दोस्तों, 1/1 कर देंगे, अनुपात 1/2, ठीक है। तो अब इसको इसको इधर ले जाओ दोस्तों और इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, वज्र गुणन कर दो, तो 2:1 में इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों टाइम जब 2:1 में आ गया, तो कहने मतलब कि ए कितने टाइम में भर रहा है दोस्तों, 4 घंटे में, ठीक है। जब एक का कितना है, 2 बराबर कितना है दोस्तों, 4 घंटे है, ठीक है। जब 2 भाग बराबर कितना है दोस्तों, 4 घंटे है, ठीक है। तो 1 भाग बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 भाग बराबर 2 से 4 कट जाएंगे, कितने बार, 2 बार, ठीक है। तो 2 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि आंसर कैसे आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 बी का भाग कितना है, 1 है ना, तो 1 भाग बराबर अपन कितना आ रहा है दोस्तों, 2 घंटे, ठीक है। तो 2 आवर इसका आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियोज में किया था, जब हमने उसकी स्पीड निकाली थी, तो स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की, ठीक है दोस्तों। तो वैसा ही ये क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है, इसमें साइज और टाइम दे रखा था। हाँ दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये है दोस्तों, 1000 लीटर वाली किसी टंकी को भरने वाला नल 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 1000 लीटर वाली किसी टंकी को भरने वाला नल कितने टाइम में भर सकता है दोस्तों, 2 घंटे में भर सकता है। और तथा दूसरा निकासी नल, ठीक है दोस्तों, दूसरा निकासी नल मतलब कि जल निकालने वाला नल इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा वाला क्या कर रहा है दोस्तों, 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकियों को भरने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों, टोटल टाइम टी ए और बी, मान लो 2 नल है दोस्तों, टी ए और बी, तो एक भरने का काम कर रहा है 2 घंटे में दोस्तों, एक खाली करने का काम कर रहा है 4 घंटे में, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 / दोनों को घटा दीजिए, 4 × 2, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना, 8, और दोनों को घटाया जब कितना है दोस्तों, 2, तो 2 से इसको भाग देंगे 8 को, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 घंटे, 4 आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ये 1000 लीटर ये दे रखी है ना दोस्तों, ये इसकी क्षमता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोस्तों, ये 1000 लीटर वाली से, ना ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 लीटर वाली टंकी को कोई नल 2 घंटे में भर सकता है, किंतु इसमें एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो ये छेद इस भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, कि कोई नल टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 2 घंटे, ठीक है, और छेद के कारण, ठीक है दोस्तों, ये 2 घंटे तो इसको भरने में ले रहा है, और छेद के कारण लिया गया अतिरिक्त समय कितना है दोस्तों, 2 घंटे है ना दोस्तों, ठीक है। तो अब
छेद के कारण टंकी को खाली होने में समय कितना लग रहा है दोस्तों, वही अपन को निकालना है। तो TMPT निकालेंगे, है ना, मतलब कि जो टाइम है दोस्तों छेद के कारण जो निक मतलब कि उसको खाली होने में जितना टाइम ले रहा है उसको अपन को निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले तो भरने वाला नल कौन सा है दोस्तों, ये 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है, और एक छेद के कारण ये 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम कितना है, ये 2 घंटे, और भरने में कितना टाइम ले रहा है दोस्तों, 2 घंटे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो भरने वाला नल है 2 घंटे, उसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 1+ करके, और 1+ करके वो भरने वाला नल का 2 बटे एक्स्ट्रा टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, ये 2 घंटे, तो इसको 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, बस ये इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बार, और 1 रेक 2 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 4 घंटे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 घंटे में ये खाली हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई नल MPT मतलब कि खाली करने में, छेद के द्वारा खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, मान लीजिए उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है TF। ठीक है दोस्तों, TF मतलब फिल भरने वाला, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1+ TF भरने वाला नल बटे एक्स्ट्रा टाइम x। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों डायरेक्ट, है ना, इसको आप लिख लेना दोस्तों, TMPT मतलब खाली करने वाला नल कितना टाइम ले रहा है वो बराबर टी फिल मतलब कि एफ भरने वाला नल मल्टीप्लाई 1+ भरने वाला नल बटे एक्स, एक्स मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बहुत सारी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है दोस्तों, है ना, तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लो दोस्तों, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। हाँ दोस्तों, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले उस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों। ये खाली कर रहा है ना, ये दोनों पाइप भर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ खाली कर रहा है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों टंकी को भरने में समय लगेगा वो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, क्या करना है दोस्तों, TF बराबर करना है मतलब कि भरने में कितना समय लगेगा जब तीनों नलों को। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों नलों को एक साथ खोला गया है दोस्तों, है ना, यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए दोस्तों, है ना, एक साथ, ठीक है, तो एक साथ खोला जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, 20 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 30 को मल्टीप्लाई करो 40 से। ठीक है दोस्तों, 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 कर दिया, फिर लिखना है दोस्तों 30 को मल्टीप्लाई करो 40 से, 30 मल्टीप्लाई 40 प्लस, फिर करो दोस्तों 40 को मल्टीप्लाई 20 से, 40 मल्टीप्लाई 20। ठीक है दोस्तों, माइनस करना है दोस्तों 20 को मल्टीप्लाई करो फिर 30 से, -20 मल्टीप्लाई 30। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको पूरे को जब सोल्व करेंगे दोस्तों ऊपर वाले को, तो ये आएगा ऊपर, ऊपर से कितना आएगा दोस्तों 24,000। ठीक है, जब नीचे वाले को सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा अपना कितना 14,000। ठीक है, 14,000 नहीं दोस्तों 1400। ठीक है, अब दोस्तों कैसे आएगा, 4 और 3 1200, 1200 ये, और 4 और 2 800, 1200 800 कितना हुआ दोस्तों 2000, 2000 में से कितना किया दोस्तों 3 दूनी 6 600, मतलब कि ये 600 को माइनस करेंगे दोस्तों 2000 में से, तो कितना बचेगा 1400। ठीक है दोस्तों, तो 1400 नीचे आ गए, और ऊपर तो 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 24,000 आएगा दोस्तों, 4 3 12 12 2 24, 24 के 3 0, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 गई दोस्तों, ऊपर कितना आया दोस्तों 240 बटे 14। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा कितना 120 बटे 7, 2 से काटेंगे जब दोस्तों, ना, तो 120 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 17.14 बार। ठीक है, 17.14 बार जाएगा, 14 घंटे, ठीक है, 17.14 घंटे, तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन समझ, आज के लिए तो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।